अलैकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, एक आम सी परेशानी उन नौजवानों में पाई जाती है कि सुहागरात में क्या होगा, कैसे बात करूँगा, कैसे सेक्स करूँगा या करूँगी, कैसे बोलूँगा कि कपड़े उतार दो वगैरह वगैरह। इन्हीं परेशानियों के हल के लिए मैं आज की वीडियो बना रही हूँ। तो मैं हूँ डॉक्टर आलिया आहद और मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और अपने मैं वीडियोज़ के जरिए आपके सेक्सुअल इश्यूज़ को सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करती हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपकी तमाम ऐसी परेशानियाँ जो कि शपे उरूसी यानी सुहागरात वेडिंग नाइट से जुड़ी हैं वो हल हो जाएंगी। तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, दूल्हा को शपे उरूसी में दुल्हन के साथ एक नरम नवैया रखना चाहिए। हम बिस्तरी और जिनसी तस्कीन के लिए जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। हम बिस्तरी करने से पहले दुल्हा दुल्हन के साथ प्यारा मोहब्बत की मीठी मीठी बातें करे, इसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करे। शबे उरूसी में दुल्हन के साथ नरम मोहब्बत और प्यार वाला रवैया रखना चाहिए। मसूर कुन और दिल फरेब बातें करनी चाहिए। मोहब्बत भरे बोसों के साथ इसके जिस्म के हसास हिस्सों को सहलाना चाहिए। बास पास शबे उरूसी में ही तशद्दुद पर उतर आते हैं। बीवी को हुक्म देते हैं कि भाई फौरन कपड़े उतारो, अगर वो इनकार करे तो ज़बरदस्ती पर उतर आते हैं। इस किस्म की वहशियाना हरकत से औरत के जज्बात को ठेस पहुंचती है। औरत के दिल में मर्द के लिए नफरत पैदा होती है, इसलिए ज़रूरी है कि मर्द आहिस्ता आहिस्ता और मोहब्बत के साथ ये काम अंजाम दे। औरत को भी जहनी और जिस्मानी तौर पर तैयार करता रहे। जिसी अमल में कतन जल्दबाजी से काम ना लें क्योंकि कवारी लड़की को बहुत ज़्यादा खौफ होता है। एक मर्द को अपने साथ बेलिबास देखकर बहुत जल्द घबरा जाती है, सख्त परेशान हो जाती है। मर्द को याद रखना चाहिए कि इसे औरत को एक नए तजुर्बे के लिए तैयार करना है तो स्टेप बाय स्टेप कदम उठाना चाहिए। मर्द ये चाहता है कि इसकी बीवी को किसी ने हाथ ना लगाया हो। इस मामले में मर्द ये भी तवक्को रखता है कि इसकी बीवी शादी से पहले जिनसी मामलात में ना तजुर्बा कार होगी, इसे हम बिस्तरी वगैरह का कोई तजुर्बा नहीं होगा। बीवी की इस शर्म झुझक को दूर करना मर्द की जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले मर्द को बीवी की अजनबियत को दूर करना है, इसको एहसास दिलाना है कि वो जिस घर में दुल्हन बनकर आई है वो उसका अपना घर है। पहली रात बीवी कपड़े उतारते हुए घबराती है, लेकिन एक ऑप्शन मौजूद है क्योंकि दुल्हन उस रात भारी भरकम जोड़े में मलबूस होती है। तो आप ये कहकर कपड़े उतरवा सकते हैं कि ये भारी भरकम लिबास तब्दील कर लो। अगर वो चेंज करने के लिए वॉशरूम जाने लगे तो उसे कहो कि यहीं कर ले। जब वो कपड़े उतार ले तो आप जादू चलाना स्टार्ट कर दें। इसके जिस्म को सहलाना शुरू करें, इसके होठों को किस करें, इसकी छातियों पर हल्का हल्का हाथ फेरना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता सारे जिस्म पर हाथ फेरें और सहलाएं, इसको चूमें। जब औरत का मूड बन जाए, गर्म हो जाए, तो आहिस्ता से इसकी कमर के नीचे तकिया रखें, शर्मगाह को सहलाएं। पहली बार हल्का सा तेल, ऑयल या कोई और लुब्रिकेंट लाजमी इस्तेमाल करें ताकि दखूल आसानी से हो। फिर दाखिल करके इंतहाई आहिस्तगी से अंदर की तरफ ले जाएं और बाहर निकालें। ये अमल बहुत नाजुक होता है पहली बार। इस रात में जो लोग तेजी करते हैं और ज्यादा जोर लगाते हैं वो बीवी की शर्मगाह का नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि जब पहली बार दाखिल होता है तो जगह बहुत तंग होती है जिसकी वजह से डैमेज होने का खतरा होता है। ये ना हो कि आप एंजॉय करने के बजाय अस्पताल में ख्वार हो रहे हो, क्योंकि हल्के से डैमेज होने पर जो ब्लीडिंग होगी वो आपसे नहीं रुक पाएगी जब तक वहाँ पर स्टिचेस नहीं लगेंगे। तो एहतियात से काम लेना है। औरत इस मौके पर हो सकता है कि बहुत ज्यादा दर्द महसूस करे, आपने इसकी रजामंदी को साथ रखना है, पूछते रहना है कि बहुत ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही। ये पहली बार होता है, बाद में जब रास्ता बन जाता है तो फिर ऐसी फिक्र करने की जरूरत खत्म हो जाती है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रोक लगाएं, कुछ देर बाद निकाल लें, दोबारा फोरप्ले करें, फिर दाखिल करें। बिल्कुल भी ज्यादा जोश में ना आए, क्योंकि अगर आपने आज डबल शिफ्ट लगानी है तो जोश को संभाल कर रखें, वो दूसरी बार में काम आएगा। तो बीबी का मूड चेक करें कि एंजॉय कर रही है या नहीं। अगर एंजॉय कर रही है तो स्ट्रोक हल्के से तेज कर दें और साथ में फ्रेंच किस करें। जब डिस्चार्ज होने का वक्त हो तो नफ्स को बिल्कुल अंदर तक ले जाकर डिस्चार्ज हो ताकि प्रेगनेंसी हो सके। अगर आपने अभी प्लान नहीं करना बच्चे के बारे में तो फिर कॉन्डम इस्तेमाल करें या डिस्चार्ज बाहर निकाल कर करें। दूसरी बार करने के लिए बीवी को थोड़ा रेस्ट दें, इसके साथ बातें करें, इसको जानने की कोशिश करें, इसके शौक पूछें, इसके लाइफ प्लान के बारे में बातें करें कि उसने क्या क्या प्लान बना रखा है।
इसके साथ हम आहंकी पैदा करें, जब मूड बन जाए तो दोबारा शुरू करें। इस बार घबराने की जरूरत नहीं, आपकी बीवी दूसरी बार एक्सपीरियंस करेगी, वो जान जाएगी कि क्या और कैसे होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।